शांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार में सरकार बनी तो एक घंटे के अंदर बिहार में शराब पर लगा बैन हटा देंगे। स्वराज की सरकार बनी और एक घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जेजेपी की पूर्व विधायक नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक पर दिया विवादित बयान, कहा अनूप को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, अनूप तो दो मुहा साफ बेहतर है। और अनूप को हमने बहुत प्यार मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। अनिल विज का बड़ा बयान, कहा अपने आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा, वहीं आला कमान मुझे सीएम बनाते हैं तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। वहीं अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल विज। तो अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जीतन राम मांझी का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, का विदेशों में जाकर के देश की बुराई करना घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। वो विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान के बारे में बहुत तरह की बात बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। घर का भेद बाहर कभी नहीं कहना चाहिए, कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए राहुल जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। कोलकाता की घटना पर रविशंकर प्रसाद का ममता सरकार पर जोरदार हमला, कहा महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा होना अपमानजनक, जांच रोकने की भी पूरी कोशिश की, ममता को पद पर रहने का अधिकार नहीं। तो सीधी बात सामने आ रही है कि उनकी सरकार ने जांच को रोकने की पूरी कोशिश की, थानेदार तक को सस्पेंड किया गया जिसने FIR में लेट किया, और आप कहें डॉक्टरों को इंसल्ट कर रहे हैं, आपको एक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। हरिद्वार में अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तो राहुल गांधी के बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर हमला किया, कहा JMM RJD कांग्रेस झारखंड के दुश्मन है, झारखंड के दुश्मन को पहचानना जरूरी। झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। ये तीन दुश्मन है JMM, RJD और कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने JMM पर साधा निशाना, कहा झारखंड में घुसपैठ चिंता का विषय, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ा खतरा, JMM के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने मंच से बड़ी हुंकार का, आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, JMM मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले प्रधानमंत्री, कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदला। हम जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है। मेरठ में इमारत ढहने से 10 की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाला मासूम का शव, तो 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ताला पुलिस स्टेशन प्रभारी अभिजीत मंडल को कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी सामने आई। यूनियन डॉक्टरों ने एक बार फिर से किया विरोध रैली का आह्वान, सेंट्रल सॉल्ट लेक पार्क से स्वास्थ्य भवन तक 4 PM से शुरू होगी रैली। आजीगढ़ मेडिकल में रेप और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन जारी, जूनियर डॉक्टर्स ने भी किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगाए गए आतंकियों को के पोस्टर, तो वहीं हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकियों के पोस्टर चस्पा, तीनों पर 10-10 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेरा, इलाके में ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तो सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को घेरा। मुंबई से दोहा के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द की गई, तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी, इंडिगो ने असुविधा के लिए माफी मांगी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले भगवान कृष्ण, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले द्वारकाधीश। मध्य प्रदेश के दतिया में डायनामाइट लगा करके गिराया गया मकान, बिना एनओसी बनाया गया था 5 मंजिला मकान। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की गंगा को स्वच्छ रखने की अपील, कहा गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत, सरकार भी कर रही है प्रयास। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, भारतीय बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू विमान, एलसीए तेजस दुश्मनों के छुड़ाएगा छक्के। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमला मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा आरोपी से पूछताछ कर आग की जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शहीद सिपाही अरविंद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, कल किश्तवाड़ मुठभेड़ में शहीद हुए थे अरविंद सिंह। मैनपुरी में भी भेड़िए की दस्तक, खेत में बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने किया हमला, गांव में दहशत का माहौल। रामपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, कोसी नदी में डूबे 4 शख्स, 1 शख्स को बचाया गया, 3 अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के संभल में भूत प्रेत भगाने के नाम पर 2 युवतियों के साथ मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल, तो वहीं पुलिस ने तांत्रिक और उसके सहयोगियों पर केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के धुले में तेज रफ्तार पिकअप वैन और कार की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चलती बस में हादसा, लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर अन्नाक शर्मा की हुई मौत, तो वहीं पुलिस ने हार्ट अटैक के कारण जताई मौत की आशंका, पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी असली वजह। दिल्ली में जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पटना में रिहायशी मकान में लगी भयंकर आग, तो वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, किसी तरह की जनहानि नहीं, तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 18 बीघा तालाब को कराया गया मुक्त, गांवों में अवैध रूप से किया गया था कब्जा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लगातार हो रही चोरी की दहशत, तो वहीं गांव में पहरा देकर निगरानी कर रहे हैं लोग। अलीगढ़ में ऑनलाइन गेम के लिए युवक ने रची अपने ही किडनैप की साजिश, खुद को किडनैप दिखाकर परिजनों से मांगी 1 लाख रुपए की फिरौती, पुलिस ने आरोपी और दोस्त को हिरासत में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से मचा हड़कंप, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद हुए। मध्य प्रदेश के सागर में कुएं में मिले एक ही परिवार के सदस्यों के शव, तो पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका, केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बारिश के बाद रेजिडेंसी कॉलोनियां हुई जलमग्न, यातायात हुआ ठप, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। बारिश के बाद अयोध्या में भी मंडराया बाढ़ का खतरा, तो सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। रामपुर में बारिश के बाद हालात खराब, कई निचले इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच भारी लैंडस्लाइड, तो वहीं धारचूला तवा घाट पर रास्ता हुआ बाधित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसे 400 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, रास्ता बाधित होने के कारण फंस गए थे लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, घाटों तक पहुंचा गंगा नदी का पानी, तो नाव और सेवाएं भी की गई बंद। उत्तराखंड के हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। पूर्वी रोमानिया के पश्चिमी मोल्दाविया में मौसम की मार का असर, लगातार बारिश के कारण आई भारी बाढ़। मैक्सिको में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात, लॉस कैबस में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड, तो वहीं लैंडस्लाइड में 1 शख्स की मौत, 8 लोग लापता, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। चेक के गणराज्य में खतरनाक स्तर पर पहुंची कई नदियां, तूफानी मौसम के कारण कई मध्य यूरोपीय देशों में भयंकर बाढ़ आने की आशंका, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली भी बाधित हुई। मेक्सिको की खाड़ी में दिखी आयातकार लहरें, कई जहाजों को डुबो चुकी है खतरनाक लहर। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार, आग पर काबू पाने का काम जारी। में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रपति सईद के खिलाफ खोला मोर्चा, देश की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मिस के नील डेल्टा में हुआ भीषण हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकराई, हादसे में 2 की मौत, 29 लोग घायल, लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने का काम जारी।